أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم viewers. I am Hashim Ali and today I will teach you the complete lecture of our CS 101 lecture number 40, which is social implication of computing. viewers, meri sabse pehle tabiyat bahut zyada kharab hai, theek hai. आई होप सो कि आपको मैं इस लेक्चर में थोड़ा सा तंग भी करूं खांसी वगैरह से, तो मुझे फ्लू भी बहुत हुआ हुआ है और आवाज़ भी थोड़ी सी आपको इस तरह है की आएगी. तो हम बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे सर आप बना दें प्लीज़, तो मैं अब इसीलिए ये लेक्चर नंबर 40 बनाने लगा हूं, वरना मैंने अभी इसको नहीं बनाना था जब तक मैं सही नहीं हो जाता. तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में जो 40 हमारा लेक्चर है, ये सारा मैंने आपको बता दिया हुआ था. जिन्होंने अभी तक लेक्चर 49 नहीं देखा, 39, वो लेक्चर नंबर 39 देख लें और उसके बाद ही आप 40 को रीड आउट करिएगा. और अगर आप 40 को लर्न करना चाहते हैं तो 40 के लेक्चर में ये सिर्फ हम डिस्कस करेंगे हाईलाइट्स पे. और मैं इंशाल्लाह ये आपको बुक में से नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं आपको इसका थोड़ा जो है मैंटेलिटी तौर पर आपको समझाऊंगा कि आपने क्या करना है. तो इस लेक्चर में जस्ट फोकस ऑन माय वर्ड्स एंड व्हाट आई से. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियोस. इन द प्रीवियस वीडियो आई विल कंप्लीटली गाइड यू हाउ टू व्हाट इज एंटोनमी ऑफ वायरस एंड ईच इज एवरीथिंग, ठीक है. बट टुडे वी डिस्कस ऑन सोशल इम्पैक्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटिंग. मसलन क्या चीज़ में आपको यहाँ पे इस लेक्चर में हमें जो वाजे कर रही है बात, वो ये है कि बिजनेसेस में कंप्यूटर का क्या किरदार है, कैसे काम करता है, जहाँ हम रहते हैं लिविंग में क्या इसका काम है, हेल्थ में इसका क्या काम है और एजुकेशन में इसका क्या काम है, ठीक है व्यूअर्स. अब बात सुनिएगा गौर से और फुल ध्यान से कि पेपर में आपको क्या पूछ सकते हैं, ठीक है. मुझे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर पेपर्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें. तो व्यूअर्स, जो आपके पेपर्स होते हैं वो आपको मेंटेलिटी तौर पर आते हैं, ना कि ये नहीं होता जैसे आप इंटर में पढ़ते थे कि ये कोई भी क्वेश्चन है तो वैसे ही बुक्स में से उठा के आ जाएगा. बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि आपकी मेंटेलिटी चेक करते हैं और आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं. जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटिंग, ठीक है. तो वो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ कंप्यूटिंग अबाउट बिजनेस एंड हेल्थ, पांच नंबर का आ सकता है. मसलन क्या है कि कंप्यूटर का किसी भी चीज में कारोबार में हो गया, आपके अस्पतालों में होगा, आपकी तालीम में हो गया, तो इसका क्या किरदार है वो आप सबने वो सब कुछ बताना है. तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन कर लेते हैं यहाँ से. ये सब कुछ यहाँ पे आप बस आपने ये रीड करना है. वाई शुड वी एज कंप्यूटिंग प्रोफेशनल बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ आवर क्रिएशन, कि हमें क्यों जो है एक कंप्यूटर प्रोफेशनल की तरह ये सोचना चाहिए और हमें इसको रीड आउट करना चाहिए. कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड आवर वे ऑफ लाइफ लाइक नो अदर टेक्नोलॉजीज. ये तो बात सच को सबको पता है कि कंप्यूटर ने ही हमारी जो जिंदगी में एक बहुत तब्दीली लाई है, जिस तरह के ऊपर से सारी हम चीजें थ्रू आउट करके आए हैं कि पहले काम लाखों में होता था अब सेकेंडों में होता है. तो व्यूअर्स, ये मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने वर्डिंग्स पे गौर करने और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आप ये खुद अपना कंसेप्ट लिखोगे. मैं आपको ये बुक वाला नहीं करवाऊंगा, आपको कंसेप्ट करवाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है. और वही चीजें आपने उधर लिख लेनी है, ठीक है. तो कहता है कि हम जनाब पहले बहुत ज्यादा गलतियां कर लेते थे, हमारे पास से बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती, हम काम करते थे तो वो गलत होता था, लेकिन अब कंप्यूटर की वजह से हम कोई भी काम है वो सही भी कर सकते हैं और एक्यूरेट भी कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द ड्रीम ऑफ कंप्यूटिंग. कंप्यूटर कीप्स ऑन बिकम मोर एंड मोर पावरफुल एंड गेनिंग मोर एंड मोर ऑटोनॉमी. देयर आर बिगनिंग बीइंग ऑक्यूपाइड विद फेल सेफ एंड सेल्फ हैंडलिंग टेक्नोलॉजीज. ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एक हाइलाइट्स बता रहा है कि कंप्यूटर्स के बारे में क्या है. तो मैं इसके बारे में आपको गौर थ्रू नहीं करूंगा कि ना ही आपके इसको भी आप रीड करने की आपको जरूरत है, ठीक है. ये भी आपको जरूरत नहीं है, पावरफुल ग्लोबल कॉर्पोरेशन की भी जरूरत नहीं है याद करने की, रीड आउट करने की. अब आपको लर्न क्या करना है इसमें, आपको सिर्फ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन करना है, ठीक है, कि नेटवर्किंग में क्या होता है, कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल होता है और इसमें एक्चुअली हम करते क्या है. अब यहाँ पे देखें, द नेटवर्क पैराडायग्राम होता है, ऑल कनेक्टेड टू मैनी अदर इज बिकम इज प्रेफरेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन एज टाइम गोज बाय.
कहता है कि नेटवर्क के में बहुत ज़्यादा सॉरी यार, ये आपको मुझे खांसी की वजह से आपसे बार बार इस तरह हो रहा है। नेटवर्क में, नेटवर्क प्रॉब्लम में क्या होता था कि नेटवर्क्स में भी आप इसको सिंपल इंस्टेंट ले सकते हैं, जिस तरह के आज आप, इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहेगा। आप लिख सकते हैं जनाब कि जैसा कि जहेज के वारिद जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो जो नेटवर्क यूज़ करती हैं वो किसके थ्रू हम सिम्स इस्तेमाल करें, एक नेटवर्क के थ्रू इस्तेमाल करें जो कि कंप्यूटर की इन्विटेशन इन्वेशन में आता है, इन्वेंशन में आता है आईटी की, ठीक है। द न्यू ऑर्गेनाइजेशन इज रिप्लेसिंग बाय ओल्ड स्टाइल लेयर ट्री स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। जिस तरह के आप इसकी मिसाल इस तरह ले लें कि आप पहले जाते थे पीसीओ पे कॉल करते थे और आपकी बहुत खुशी होती थी कि जनाब आपकी कॉल हो रही है, लेकिन अब क्या होता है आप एक बैठे ही जगह पे किसी भी जगह पे लोकेशन पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है द ऑर्गेनाइजेशन आर लर्निंग दैट बिजनेस कैन बी डन इज मोर इफेक्टिव मैनर्स इम एम्फिसाइज इज प्लेस्ड अपॉन कॉरपोरेशन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेटवर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो विद देयर कस्टमर एंड सप्लायर्स। तो ये तो सिंपल सी आपकी मिसाल जो मैंने आपको जायज़ वालों की दी है कि वो अपने कस्टमर्स के साथ, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कितना कोऑपरेटिव करते हैं और उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हो जाती हैं किसी भी नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। इसकी मिसाल आप जो है चैनल्स की भी ले सकते हैं, ARY या 92 न्यूज़ इस तरह की, ठीक है। उसके बाद आता है द स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टाइम। ये तो बिल्कुल इसमें कोई भी याद करने वाली बात नहीं है कि नेटवर्किंग जिस तरह आसान होती जा रही है उसको उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इट शेयर जिस तरह के आप लगा लें कि अब आप इसमें इस तरह लिख सकते हैं इन द यूनिवर्सिटीज लेवल में भी अब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, नेटवर्किंग का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। आप कंप्यूटर उसमें यूनिवर्सिटीज़ का लिख सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ी जो आप लिख सकते हैं इसमें कि आपके मोबाइल वर्किंग में आपकी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, जैसा कि आपको जैज़ वालिद को वगैरह का बताया मैंने। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें बताई हैं इन्होंने कि आप इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहाँ पर अच्छी होती हैं, ये कहाँ पर अच्छी नहीं होती। और इसको यकीन करें, इसको रीड आउट करने का भी बिल्कुल भी आपको नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आप लिख लें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछने होते हैं जो आपके रीजनेबल होते हैं, जो आपको रीड कर सकते हैं। उसके बाद आता है जनाब व्हाइल ऑल प्रोफेशंस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड टाइपिस्ट बैंक टेलर एंड टेलीफोन, कहते हैं कि जहाँ पे आपको पता होगा अगर आप कहीं कचहरियों में आप गए तो वहाँ पे टाइपिस्ट होते हैं, बैंक टेलर्स और टेलीफोनिक, ठीक है। नंबर ऑफ टेम्परेरी वर्क्स इन इज ऑन द राइज, ठीक है। टेम्परेरी वर्कर जो होते थे, आर्जी तौर पर काम करने वाले बंदे, वो जो बहुत ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ गई थी। इवन टेक्निकल प्रोफेशनल ऑफ हाई क्वालिटी मस्ट नाउ डिफाइन देम सेल्फ एज टेम्परेरी कंसल्टेंट्स, आर एबल टू मूव फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जिस तरह वो कह रहा है कि अब जिस तरह के टेक्नोलॉजी में हत्ता के कहता है जो टेक्निकल प्रोफेशनल होते थे किसी भी हाई क्वालिटी में, तो वो क्या करते थे, नए से नए कामों में मुंतकिल हो जाते थे। मसलन यहाँ पे आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ हो गए, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते। इन ओल्ड डेज क्या होता था, लॉयल्टी वाज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नो नाउ प्रोफेशनलिज्म एज एन एबिलिटी टू परफॉर्म आर वाच वर्ड्स, कहता था पहले आपकी ईमानदारी देखी जाती थी, लेकिन अब आपका ईमानदारी नहीं देखी जाती बल्कि आपका काम देखा जाता है कि आपको काम कैसा आता है और कितने आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है। द फोकस नाउ इन मैनी कंप्यूटर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑन प्रोफेशनल कंपिटेंसी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, जो हमारा ध्यान है अब हम कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखेंगे, ना कि नॉट बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑन प्रोफेशनल कंपिटेंसी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लर्न क्या करना है, यहाँ पे ये सिर्फ चीजें आपको पढ़ाने के लिए हैं, इसमें आपकी याद करने वाली कोई चीज नहीं है। नंबर ऑफ टेम्परेरी वर्क इज ऑन राइज, कि आर्जी तौर पर काम करने वाले बंदे बढ़ गए थे। अब आ रहा है बिजनेस मॉनिटरिंग देयर एम्प्लॉयज, अब यहाँ पे ये मैं जो बात आपको करने जा रहा हूँ, अब यहाँ से आपने आपका सही लेक्चर स्टार्ट है और यहाँ से ही आपको ये की पॉइंट आपको मैं दे रहा हूँ, आपने इसी को फोकस करते जाना है। बिजनेस मॉनिटरिंग देयर एम्प्लॉयज, के बिजनेस का जो कारोबारी बंदे हैं वो अपने एम्प्लॉय का कैसे मॉनिटर करते हैं, उनको कैसे ध्यान रखते हैं कि वो काम करें कि नहीं करें।
सिस्टम आर अवेलेबल दैट मॉनिटर ऑलमोस्ट एवरी की स्ट्रोक दैट एन एम्प्लॉय मेक्स ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, सिस्टम्स आर अवेलेबल दैट रीड एंड सेंसर ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ईमेल्स। इट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉनिटर वेयर यू सर्व एंड वेन। समझ आ रही बात कि सिस्टम कहता अब इस तरह के आ चुके हैं कि ऑलमोस्ट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एम्प्लॉय मेक्स ऑन अ कंप्यूटर, कि वो ये देख रहे होते हैं कि कंप्यूटर पे बंदा बैठा है कि नहीं बैठा। ठीक है, अब ये भी होता है कि सेंसर लगे होते हैं, अगर आप किसी मील्स में चले जाएं तो वहां पे इनकमिंग एंड आउटगोइंग के सेंसर लगे होते हैं, वो स्कैन करते हैं आप कार, फिर ही आपकी एम्प्लॉय की जो है ना डेली आपकी शुरू होती है कि आप इस टाइम पे आए हैं और इस टाइम पे आउट हो रहे हैं। तो ये चीज आ रही है, मसलन अब आप कंप्यूटर में बैठे हैं तो आप क्या लिखोगे पेपर में, जिस तरह की मैंने आपको बताया कि बिजनेस में किसका क्या किरदार है, तो बिजनेस में आप इसका ये नहीं लिख सकते कि बिजनेस का, आप ये भी लिख सकते हैं कि बिजनेस में आपका ये वो रोजमर्रा इस्तेमाल होता है, बैंकिंग में इस्तेमाल ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप इसको सिंपलेस्ट आप ये भी लिख सकते हैं, आप बड़े बड़े जो मॉल्स में जाए आप लिख सकते हैं कि आप मॉल्स में हैं तो आप मॉल्स का सिस्टम जो भी है वो भी तो कारोबार है ना, तो आप उसको वहां पर वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वर्किंग फ्रॉम होम, घर से काम। ठीक है, वर्किंग अब घरों में क्या काम है, कंप्यूटरिंग हैज मेड इट पॉसिबल फॉर सम टू अवॉइड गोइंग टू ऑफिस फॉर देयर वर्क। कंप्यूटिंग ने क्या किया, हैज कर चुका है, हैज मेड इट पॉसिबल फॉर सम टू अवॉइड गोइंग टू ऑफिस फॉर देयर वर्क। समझ आ रही बात, उसने कहा है कि कंप्यूटिंग ने क्या किया, हैज मेड इट पॉसिबल, ये काम पॉसिबल कर दिया फॉर सम टू अवॉइड गोइंग टू ऑफिस फॉर देयर वर्क, कि वो अपना काम करने के लिए ऑफिस तक जाए। मसलन आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं, दे कैन डू देयर वर्क फ्रॉम होम एंड कम्युनिकेट देयर आइडियाज क्वेश्चन आंसर टू देयर कॉलीग्स थ्रू द इंटरनेट। वो इंटरनेट पर बैठ के आप अपने घर पे काम कर सकते हैं, जिस तरह के आप एग्जांपल ले लें, आप यूनिवर्सिटी से जाते हैं, यूनिवर्सिटी में बैठ के भी वही लेक्चर्स लेते हैं जो यहाँ पे बैठ के दे रहे हैं घर पे। इज दिस एग्जांपल ऑफ आवर्स, दिस गिवन्स मोर टाइम टू स्पेंड देयर विद देयर फैमिलीज ड्यू टू द टाइम दे सेव ऑन द कंप्यूटिंग टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। कहता है वो अपना बहुत ज्यादा वक्त जो है अपना सेव कर लेते हैं जनाब, उधर के जाने की जगह वो अपना काम यहाँ पे सेव कर लेते हैं, काम घर पे बैठते हैं, घर वालों में बैठे होते हैं और लेक्चर भी ले रहे होते हैं। उसके बाद उसके डिसएडवांटेजेस भी बता रहा है कि घर में काम करने के डिसएडवांटेजेस क्या है। उसके बाद कहते हैं कि अगर आप अपने कोलीग्स के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं तो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन कम हो जाती है, आपकी बातचीत करने की सलाहियत कम हो जाती है। मसलन अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो लेकिन आपके जो मैनर्स हैं, जो आपकी पर्सनैलिटीज हैं, वो कम हो जाती है। लैक ऑफ इंट्रैक्शन आल्सो रिजल्ट इन स्लोअर प्रोफेशनल ग्रोथ। समझ आ रही बात, फैमिली लाइफ में सफर एज वेल एज सम नेवर टर्न ऑफ एंड कीप ऑन वर्किंग थ्रू आउट ऑफ द डे इवनिंग एट नाइट। आई होप सो कि ये आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपको ये समझ लग रहा है तो अगर आपको किसी भी चीज की क्वेश्चनिंग करनी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास व्यूअर्स यहां पर फ्रॉम मास टू पर्सनलाइजिंग मार्केटिंग। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास टू पर्सनलाइजिंग मार्केटिंग, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग किसको कहते हैं। ठीक है, मार्केटिंग पहले जमाने में ये होता था कि बंदा आ जाता था दुकान पे और कहता था जनाब ये चीज हम बेच रहे हैं, क्या ये आप ले सकते हैं, और वो हर एक जगह पे जाता था, हर एक गली और हर एक कॉर्नर पे जाकर बेचता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब हम थ्रू द मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन से मुराद क्या है, थ्रू द इंटरनेट हम अपनी चीजें बेच सकते हैं। जिस तरह कि आप जिंदा इसकी मिसाल ले सकते हैं अमेजोन, अलीबाबा, ठीक है, ये जितने भी बड़े बड़े ऑनलाइन स्टोर्स हैं वो ये सारी चीजें बेचते हैं। तो ये किसके जरिए होते हैं, मास टू पर्सनलाइज मार्केटिंग। इन द ओल्ड डेज डेमोग्राफर, जिस तरह के मैं आपको बता देता हूँ लफ्जों में कि द वेब हैज चेंज मार्केटिंग फॉर एवर। मसलन ये जो मैंने आपको ऊपर बात कही कि पुराने वक्तों में क्या होता था, अब क्या होता है कि वेब हैज चेंज मार्केटिंग फॉर एवर, उसने उसकी काया ही बदल दी है, वो अब किस तरह के करते हैं। ठीक है, मैं ये सिर्फ आपको वर्डिंग में बता रहा हूँ, आपने सिर्फ इसको याद कर लेना है, याद वो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि पुराने वक्तों में मार्केटिंग कैसे होती थी कि जनाब आप यू हैव गोइंग टू वन एंड वन बाय शॉप्स एंड परचेज एंड प्लेस देयर प्रोडक्ट्स, बट नाउअडेज वी मेक अ ब्रिलियंट एंड ग्रेट ऑसम वेबसाइट एंड वी रीच आवर प्रोडक्ट्स ऑन आवर वेबसाइट, आवर कस्टमर्स आर कम देयर एंड बाइंग इट। और यकीन करिए आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे क्योंकि आप एक टूडे पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिटिकल प्रोसेस क्या, इसमें वी नो लॉन्गर नीड टू द गैदर द पब्लिक ओपिनियन थ्रू द एक्सपेंसिव रिफंडा और पब्लिक मीटिंग।
कहता है कि इसमें पॉलिटिकल प्रोसेस का क्या मतलब है, और मुझे नहीं लगता कि ये मुझे आप सबको बताने की ज़रूरत है। आप तो सब बहुत ज़्यादा नून लीग और पीटीआई के सपोर्टर्स होंगे, और मैं भी पीटीआई का था, बट अब थोड़ा सा डगमगा गया हूँ जिस तरह के इन्होंने हालात कर दिए। तो डियर्स व्यूअर्स, इसका सिंपल इस एग्जाम्पल ये है, कहते हैं कि जनाब आप पहले ये होता था कि आप हम MP के MLA होता था, वो घरों पे आते थे और हमसे पूछते थे आपको कोई काम है, या ऐसा है, वो तो आज तक मैंने भी नहीं देखा आते कब है। खैर, वो आते थे और आपसे पूछते थे आपको कोई मसला मसायल होता, हम अपने उनके पास जाते थे और अपनी राय देते थे लोगों को, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, कहते हैं थ्रू कंप्यूटर के लिए अब हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप आप फोन करते हैं, उनके खिलाफ झंडे लगाना शुरू कर देते हैं, ट्विटर ओपन करते हैं तो ट्विटर पे बेशुमार लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ है पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्यूटिंग का, कि इफ वी वांट टू शेयर आवर थॉट्स टू कंप्यूटिंग इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, वी मे गोना कमिट अबाउट समथिंग इन अवर ट्विटर, व्हाट्सएप एंड इन अदर सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है। डिस्टेंस हैव कॉन्ट्रैक्टेड, बात की बहुत कम हो गया। कहते हैं कि जहां पहले होता था बिकॉज द एडवर्टाइजिंग वाज वर्ल्ड टेक्स्ट रिकग्निशन की इजी थिंग टू एनीवन रेगुलर फॉर दिस गेम्स, ते जना से वीडियो कॉल करना भी जो बच्चे से करना मैसेज करना हो गया, बंदा फिजिकली जाके मैसेज डस्ट हो गया, हां गया, दिस हैज हैड अ प्रोफाउंड इफ तो मास स्पेलिंग डिल पे पंक्स लगा, कह के उस कमी में बहुत ज्यादा फिजिकली जो ब्लैक जीरा कैसे भागम, ठीक है। इट हैज ऑलवेज फॉर फैमिली टू बी क्लोज इन फाइव फिजिकल जंग, इन दैट इन द फिजिकल जंग ज्यादा वो अपने फैमिली फ्रेंड एक दूसरे के साथ आसानी से बातचीत कर सकते हैं, जैसा कि कुछ लोग होते हैं जिनके बाबा या मामा या कोई भी अजीज होते हैं वो सऊदी अरब में हज करने जाते हैं तो वहां से कॉल आती है, तो इट इज द चांस टू कम्युनिकेट, ठीक है। ये सारी बातें भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बुक के कीड़े बने, आप अपना माइंड यूज किया करें, मेंटेलिटी यूज किया करें, ठीक है। और आपकी मेंटेलिटी ही पे बेस पे पेपर होता है, ठीक है। और ये मैं आपको वंस अगेन कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, वर्डिंग पे गौर करनी है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने वो सुनना है और वो लर्न करना है और वो बताना है। एक को आप लिख भी सकते हैं, डिस्टेंस आर इंक्रीजिंग, ऊपर कह रहा था डिस्टेंस आर डिक्रीजिंग, अब कह रहे डिक्रीज डिस्टेंस आर इंक्रीजिंग, टेलीविजन हैज बैड इनफ, वीडियो गेमिंग्स एंड द वेब हैज मेड द सिचुएशन इवन वर्स, फैमिलीज आर स्पेंडिंग लेस एंड लेस टाइम टुगेदर इन स्पाइट ऑफ द फिजिकल क्लोन्स। कहते हैं जब आवर एवरी क्लिक इज रिकॉर्डेड एनालाइज टू एक्सट्रैक्ट पैटर्न एंड बिहेवियर, कहते हैं कि जहाँ पे हर चीज रिकॉर्ड होती है और हर चीज के बिहेवियर को देखा जाता है कि क्या क्या बंदा क्या कर रहा है, दोज पैटर्न्स आर देन यूज टू परसू अस टू डू थिंग्स दैट दोज वेबसाइट्स मस्ट अस टू डू, वेब कम्स आर बिकम कॉमन प्रोवाइडिंग अ चीप वे ऑफ पेरेंट्स टू वॉच देयर चिल्ड्रंस एवरी मूव, समझ आ रही बात। कहते हैं ये सिर्फ वालदेन ही नहीं करते बल्कि आजकल तो हमारे कैंपस वाले भी कर रहे होते हैं कि वेब कैम्स लगा देते हैं जहाँ पे अंडर सिविलियंस, मतलब कि जहाँ पे हम नहीं देख सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे कैमरा का इस्तेमाल होते हैं। द चेंजिंग फेस ऑफ एजुकेशन, और ये द चेंजिंग फेस ऑफ एजुकेशन के लिए मैं आपको बता दूँ, ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह IT का ये किस तरह एजुकेशन में ये किस तरह से टेक्निकली या IT का या VU का एजुकेशन प्लेटफॉर्म अच्छा है आपके लिए, ये किस तरह चेंज किया है उसने आपकी स्टडी ऑफ वे को। अब इसके लिए आपने क्या लिखना है, इसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने वो नोट करना है और वही लिखना है कि इन्होंने क्या किया है कि डिस्टेंस लर्निंग जो कि हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, अगर आप ये लिखोगे ना कि आई प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी हु हैव मेक द चांस टू ग्रो माई लाइफ एंड ग्रो माई सेल्फ टू लर्न, आई एम लो इट्स हैव अ लो प्राइज एंड लो आउट क्लास स्टैंडर्ड, ये आपका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर पेपर चेक कर पे भाई कि आप क्या कह रहे हैं एजुकेशन के रिलेटेड बात करें, वो तो एजुकेशन चेंज कौन कर रहा है IT में, तो IT में चेंज आया वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का, आप इसमें आप खुद लिख सकते हैं कि आपने क्या किया, आप जनाब आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, किसी मसला नहीं होता, बाहर बारिश हो रही है आप बैठ के अंदर पढ़ रहे हो, कोई चक्कर नहीं है, पेपर निज़ाम बहुत आउट क्लास है, तो ये चीज़ भी आती है द चेंज फेस ऑफ एजुकेशन में।
तो आई होप सो कि ये आप कर लोगे। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तो आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। उसके बाद आती है जी इन्फो गैदरिंग्स, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। वी आर टर्निंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स ऑनलाइन रिसोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन दैट जस्ट अ फ्यू ईयर्स बैक इन वर्ल्ड एफर्ट एंड टाइम टू पुल टुगेदर बिफोर इट कुड बी यूज इन नाउ लिटरली अ फ्यू की स्ट्रोक। अभी पहले कह रहा है कि जनाब अभी अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी चाह होती थी या अगर हमें कुछ इलम लेना होता था तो हम क्या करते थे, बहुत ज़्यादा जाना पड़ता था और फिर जाके पूछना पड़ता था और सर वो पूछना पड़ता था फिर वो बताते थे, तो इस तरह का निज़ाम चलता होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारा कहता है जाते थे वक्त भी खर्च होता था पैसे भी खर्च होते थे, लेकिन अब क्या होता है कि अब जिंदगी चेंज हो गई है, लाइफ सुकून में हो गई है कि आप घर बैठे हो, आपको इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की नहीं समझ आ रही है, आप इंटरनेट पे लिखते हो जनाब व्हाट इज द कंप्यूटर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स लाइक्स एप्पल्स एंड बनाना एंड व्हाट इज सन एंड व्हाट इज द मून। तो ये सारी चीज़ें किसमें आ रही है, इंटरनेट पे आप किसी भी चीज़ का लिखते हैं तो आपको लाइव मिल रहा है। उसके बाद है टेलमिन डीजेस, साइंस। हाउ कैन वी प्लेस अ डॉक्टर स्पेशलाइजेशन इन, फॉर एग्जाम्पल स्किन रिलेटेड डिसीजेज आर न्यूक्रोलॉजी न्यूरोलॉजी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, वी कैन नॉट व्हाट देन इग्नोर ऑल द दोज नॉट रेजिडेंग इन बिग सिटीज रिजाइडिंग इन बिग सिटीज। वो कहते हैं कि हाउ कैन वी प्लेस अ डॉक्टर स्पेशलाइज इन, कहते हैं कि हम किस तरह से किसी भी जगह पे एक स्पेशलाइज को बंदे को वहाँ पे हायर कर सकते हैं, वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा स्किन रिलेटेड का है या फिर कोई इस तरह का डॉक्टर है तो उसको हम किस जगह पे अपॉइंट कर सकते हैं। वी कैन नॉट व्हाट देन, अगर हम नहीं कर सकते तो हम क्या करें, इग्नोर ऑल दोज ऑन रिजाइडिंग इन बिग सिटी, क्या हम सारे बड़े बड़े शहरों को भूल जाएं। सोल्यूशन क्या है, इंटरनेट पेस एन ऑडियो वीडियो टेक्स्ट कनेक्शन कम्बाइंड विद अ फ्यू रिमोट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अ ट्रेंड असिस्टेंस कैन बी इनेबल अ रिमोट डॉक्टर टू एग्जामिन एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू अ पेशेंट फॉर फार फार वे। वो सपोज कहता है कि जनाब अगर हमने कोई अच्छा सा स्पेशलिस्ट लगाना तो हम किस जगह पर लगाएं, कहता है थ्रू द इंटरनेट। यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि हम जो है अपनी मेडिकल के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते, कोई अच्छा सा वो डॉक्टर कहता है कि जनाब अपॉइंट कर दिया जाता है किसी लोकेशन पे, जिस तरह के अगर आपको कोई वो बीमारी होती है तो वो उसको एक्सप्लेन करके उसकी दवाई दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं। इन प्रोग्रेस नेसेसरी में प्रोग्रेस किसको कहते हैं, सबसे पहले तो आप ये बताना प्रोग्रेस किस, प्रोग्रेस इज बीइंग मेड एवरी डे इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग। प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की, ठीक है, तरक्की हो रही है कंप्यूटर में डेली दिन ब दिन, ठीक है। द क्वेश्चन दैट व्हाट इज नीड्स टू आस्क, आर वी गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हम सही सिमत में जा रहे हैं। मसलन ये कहता है कि जैसा कि कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर के इस्तेमाल है, कंप्यूटर में ये है, कंप्यूटर में ये है, हमने एक बैड फैक्ट भी रीड आउट किया कि कंप्यूटर को पढ़ने से हमारे फैमिलीज में भी बहुत सारे डिस्ट्रॉय पैदा हो जाते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। तो व्हाट इज दिस बिटवीन दिस, उसने कहा जनाब कि इट्स ओके